नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में हमेशा की तरह आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सद्गुरु गाड़गे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी पढ़ाने के लिए आई। 14वां पाठ हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना है। हिंदी भाषा, उसमें हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं कि नहीं, स्वावलंबी हो सकते हैं कि नहीं, रोज़गार की उपलब्धियां हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे सवाल जब छात्रों के मन में उठते हैं तो इन सवालों को हल करने का प्रयत्न लेखक दामोदर खड़से जी ने इस पाठ के माध्यम से किया है। लेखक का परिचय मैंने इससे पहले तासिका में आपको दे दिया है। भाषण विधा के बारे में भी समझाया है, लेकिन देखिए यह प्रश्न आप लोगों को आ जाता है कि जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण। भाषण एक कला है, और ये कला क्या करती है? श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करने की कला हर एक में नहीं होती है। उसमें अनेक वक्ताओं के नाम आ जाते हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। पाठ परिचय में यह भाषण का छोटा सा अंश है, जिसके माध्यम से रोज़गार की संभावनाओं के बारे में लेखक आपको समझा देना चाहते हैं। अब बचे हुए हिस्से के बारे में हम आगे चलकर पहले हम पढ़ेंगे, बाद में आप लोगों को समझाएंगे। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। इसके लिए उदाहरण दिए हैं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठली के गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब देखिए, कुछ कठिन शब्द आप लोगों को महसूस होते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, विज्ञापन यानी कि जाहिरात, एडवर्टाइज, मुद्रित मीडिया यानी कि जो पेपर की छपाई, पुस्तकों की छपाई, यह काम जो होता है उसे शब्दों का मिलाना मुद्रित मीडिया। भरमार होती है मतलब ये आजकल हिंदी विज्ञापनों में, अर्थात हिंदी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा को लेकर आजकल विज्ञापन भी टेलीविज़न के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से, रेडियो पर भी यह विज्ञापन प्रस्तुत करने का तरीका लोगों को आ चुका है, और वह बहुत ज़्यादा रूप में समाज के सामने आ चुका है। कुछ तो विज्ञापन ऐसे हैं जो कि उनको, मतलब हम लोगों को उनको देखने की सुनने की इतनी आदत हो चुकी है कि वे लोग आज भी सिर्फ दो पंक्तियों के सहारे
करोड़ों रुपए प्राप्त कर चुके हैं। कुछ लोगों को तो उसकी कॉपीराइट अधिकार मिल चुके हैं, मतलब वह जाहिरात कोई और नहीं लिख सकता है। अब देखिए कि इतना ही नहीं कि हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशन, जहाँ तहाँ विविध कार्यक्रम में जबकि ये विज्ञापनबाजी करते हैं, जाहिरातबाजी होती है, तो उस वक्त जो लेखक आप लोगों को टेलीविज़न पर जो प्रस्तुत किए जाते हैं किसी पदार्थ को लेकर, किसी साबुन को लेकर, किसी वाहन को लेकर, ऐसे अनेक सारे जाहिरातबाजी होती है जो कि आजकल मराठी ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषा में ये जाहिरातबाजी मतलब विज्ञापनबाजी का ये दौर आजकल बहुत ही बढ़ चुका है। कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को तो लाखों में भुगतान किया गया है। वो कौन से हैं? जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, आम के आम गुठलियों के दाम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जीवन बीमा को लेकर कितने साल बीत गए लेकिन फिर भी ये LIC का मतलब जीवन बीमा जो पॉलिसी होती है कि मनुष्य को वह भावुक बना देती है कि मनुष्य का जीवन है तब तक भी और जीवन समाप्त हो जाएगा तब भी यह जीवन बीमा मनुष्य के हमेशा साथ होता है। इसलिए देखिए कि आजकल हिंदी भाषा जो है उस भाषा के माध्यम से लेखक आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि हम अपना करियर अच्छी तरह से बना सकते हैं, अपने उत्पादनों को वह समाज के सामने प्रस्तुत करने का तरीका विज्ञापनों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रस्तुत करने का तरीका जिसके पास है, जिसे भाषा पर प्रभुत्व है, वो व्यक्ति तो कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो लेखक के रूप में तो पंक्तियाँ लिखकर वह लेखक के रूप में भी वह पैसे की प्राप्ति मतलब अपना जीवन सफल बना सकता है, रुपये कमा सकता है। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। वो कैसे एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है? TV ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार खोला है, वही हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराया है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं, इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग, जिसे पार्श्व आवाज़ के लिए संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह TV जगत हो या फिल्म जगत हो। अब देखिए, फिर से मैं आप लोगों को इस बात के बारे में समझाऊंगी कि जैसे हमने अब तक देखा कि अलग अलग जगह पे हिंदी में रोज़गार की उपलब्धियाँ कैसे हो सकती है, जो राजभाषा को लेकर लेखक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सांसदों में, केंद्र सरकार में महाप्रबंधक के रूप में अनेक सारी जगह पे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नौकरी की उपलब्धियाँ हो सकती है। इसी तरह से फिल्म उद्योग के बारे में भी, टेलीविज़न के बारे में भी, समाचार पत्र के लिए बताया, तथा अपना कोई उत्पाद है वो उस उत्पाद को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उसे बेचने के लिए, उत्पाद व्यापार करने के लिए, इसी तरह से वे हम अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, यही बात समझाते हुए मनोरंजन क्षेत्र के बारे में भी लेखक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मनोरंजन एक उद्योग के रूप में भी उभर कर आया है, कि इसके साथ ही TV ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोज़गार का महाद्वार खोला है, वही हिंदी के रचनाकारों के लिए,
संवाद लेखन करने वाले पटकथा लेखकों के लिए, गीत लिखने वालों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध किए गए हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों में तो अनुवाद भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे जैसे अंग्रेजी के हिंदी में, जैसे तेलुगु फिल्में हैं, आजकल आप लोग देख रहे हो कि पुष्पा फिल्म है जो कि बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो उस फिल्म को हिंदी भाषा में रूपांतरित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। लोग बहुत ही बड़े चाव से उस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने है कि आज उन लोगों को करोड़ों में पैसे की उपलब्धियाँ, मतलब फ़ायदे में उनकी उनका काम चल रहा है। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्में देखिए, डिस्कवरी चैनल देखिए, एनिमल प्लैनेट देखिए, उसमें भी आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसके लिए हिंदी भाषा में भी जो भाषा आप जानते हैं, समझते हैं, सामने वाला श्रोता जो भाषा बहुत आसान समझता है उसी भाषा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए जो हिंदी भाषा का लोग सहारा लेते हैं। और ये भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि जहाँ पे हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ को अलग भाषा में है जो कि अनुवाद करके समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे, और किया गया है और उसमें लोग सफल भी हो चुके हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई साथी नहीं। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बूढ़े हिंदी फिल्में देख देखकर और हिंदी फिल्में गीत सुन सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं, और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। आपको यदि फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में भी उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। अब देखिए, मनोरंजन टेलीविज़न के साथ साथ फिल्मी जगत के बारे में लेखक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार हिंदी फिल्मों ने किया, हिंदी गीतों ने किया। शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, सभी लोगों ने ऐसे हिंदी फिल्म देख देख कर हिंदी गीत सुन सुन कर थोड़ा बहुत हिंदी का मतलब, हिंदी शब्दों के मतलब समझने का प्रयत्न उन्होंने किया, सीखने का काम, शब्द भंडार बढ़ाने का काम, उच्चारण करने का तरीका इन्होंने सीख लिया। इसलिए, और देखिए कि महाराष्ट्र के लिए तो मराठी कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिखी जाती है। इसलिए महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए हिंदी के प्रति लगाव तो है ही। तो देखिए, आपको हिंदी फिल्म जगत का अगर आकर्षण है तो आप कथा लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, साथ ही बड़े बड़े कलाकार होते हैं, अभिनेता होते हैं कि वे अलग अलग भाषा, अलग अलग इलाके से होने के कारण जब उनको अगर हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता है तो उस वक्त उन्हें हिंदी प्रशिक्षक के रूप में आप काम कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलकर, रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता वैसे ही बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। अब रेडियो को लेकर आप लोगों को ओल्ड इज गोल्ड, आज आप लोग देख रहे हो कि रेडियो आरजे का काम करने वाले 24 घंटे ये लोग क्या करते हैं, उसमें ज़्यादातर युवा पीढ़ी है। ये युवा पीढ़ी क्या करती है कि उसके लिए भी कुछ आवश्यक गुण मनुष्य में होने की आवश्यकता है।
जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य की भाषा पर प्रभाव, मानव वर्तनी के अनुसार उसका उच्चारण, हर एक मतलब अलग अलग जानकारी, रोज नई नई बातों की जानकारी रखना, जिस इलाके के हो उस इलाके की जानकारी रखना, ऐसे अनेक सारे, जबकि उसके लिए छोटी सी परीक्षा होती है, वह समिति का गठन किया जाता है, उस परीक्षा को देना कुछ जगह पे अनिवार्य है, कुछ जगह पे अनिवार्य नहीं है। आप लोगों में ये कला कैसे है, आप लोगों की आवाज़ कैसी है, ये देखकर आप लोगों को उस बात को लेकर मतलब आरजे बनने के लिए लगाव है, वो गुण है, तो वह देखकर भी आप लोगों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। अब रेडियो प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधन की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। अब प्रसारण के बाद देखिए कि आप लोगों को लेखक रोजगार की और एक उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, वह है जो आप लेखक के रूप में मतलब लेखनी के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। उसमें समाचार पत्र है साहित्यकार के रूप में, इसे समाचार पत्र के लिए संपादक का काम करने के लिए, अनुवादक के रूप में, पत्रकार के रूप में, हमेशा किसी एक समाचार पत्र के लिए वह लेखक के रूप, स्तंभ लेखक के रूप में काम कर सकता है। ऐसे बढ़ते हुए रोजगार की उपलब्धियां आप लोगों के लिए है, लेकिन उसके लिए हिंदी भाषा के प्रति आप लोगों को व्याकरण की दृष्टि से जिन शब्दों को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, वही भाषा का, शब्द का उच्चारण की दृष्टि से, लिखित रूप की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सही ज्ञान होने की आवश्यकता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में इस क्षेत्र में करियर बना सकता है। देखिए छात्रों, जैसे लेखक आप लोगों को अलग अलग जगह के बारे में, अलग अलग स्थानों के बारे में, जैसे पाठ के शुरुआत में बताया था कि हमारे मन में एक प्रश्न उठा था या उठता है कि हिंदी भाषा अगर मैंने सीखी है तो उसमें हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं कि नहीं। इसीलिए लेखक ने आप लोगों के सामने अनेक सारे रोजगार की उपलब्धियाँ दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है उसके बारे में समझा दिया है। अगला हिस्सा हम अगली तासिका में ले लेंगे। तब तक आप घर में अध्ययन करते रहे। धन्यवाद।